नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों आज देख सकते हैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, वो स्टाफ नर्स के लिए है जिन्होंने जीएनएम कोर्स कर रखा है या मेडिकल कोर्स कर रखा है। उनके लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है यूपी यूएमएस में, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में। इटावा के लिए बात करने वाला हूँ, इटावा ज़िले में जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये स्टाफ नर्स के लिए, बहुत ही सुनहरा मौका है स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों बताऊँगा पूरे फॉर्म के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में क्या है। इसके पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स का वैकेंसी आई हुई है इटावा ज़िले में। स्टार्टिंग डेट इसका अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म दोस्तों, ये लास्ट डेट इसका 12 नवंबर 2018 रखा गया है दोस्तों। और जिसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है वो 20 नवंबर, देखिए रिसिप्ट हार्ड कॉपी 20 नवंबर 2018 है और लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन का वो 30 नवंबर 2018 है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट अभी अवेलेबल नहीं है, जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा दोस्तों। बात करता हूँ एग्ज़ाम फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी की जो फीस है वो 1000 रुपये है, वहीं पे एससी एसटी की जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपये रखी गई दोस्तों। 1000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 500 रुपये एससी एसटी के लिए रखा गया है दोस्तों। जॉब लोकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं वो टोटली आपकी इटावा में है। इस लिमिट की बात करता हूँ दोस्तों, मैक्सिमम जो एज आपकी होनी चाहिए वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, जो आपका कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2018 को। नंबर आप पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 100 पोस्ट हैं आपकी वैकेंसीज़ में, शतक पूरा लगा है, 100 पोस्ट आपकी मिल रही हैं स्टाफ नर्स के लिए। दोस्तों पोस्ट नहीं देख सकते हैं आप स्टाफ नर्स। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करता हूँ, देखिए जनरल का जो है 50 पोस्ट है, वहीं पे ओबीसी का 27 पोस्ट है, एससी का 21 पोस्ट, एसटी का 2 पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है वो 200 है। एज़ पर रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका पे स्केल रहेगा दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट पास डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका है। आगे दोस्तों ये देखिए कैसे इसको अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू द लिंक प्रोवाइड बिलो, दे कैन अप्लाई थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ओपन करके ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो आप 12 नवंबर से पहले आपको करना है। सिलेक्शन का मोड बात करता हूँ दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टेस्ट एंड इंटरव्यू। दोस्तों आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। पूरे फॉर्म के प्रोसेस बारे में आप समझ चुके होंगे दोस्तों, कैसे आपको अप्लाई करना है। अब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी दोस्तों, अगर पसंद आई ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।